мару, ну ты маос, юта, ман мос мару, ну си бача. Я еще вы не мосом бача. Еще на пока бача, кэнджи гаса, я драни, мяк пока бача. Я еще дома на бача. उस लाश कब मिलेगी हमें? मैं उसका बाप हो रहा हूँ, उसने बोला वो कल मिलेगी। हराम क्या कातिल को? हराम क्या कातिल को? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपके साथ रुफ़ायदा मंजूर। लगातार आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि एक 15 साल का बच्चा फरहान, उसका लगातार सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं। कई सारों ने वो हाईलाइट भी किया है, आज हमें पता चली तो हम यहां पर इनके पास आए। इनकी मदर हमारे साथ है, इनके फादर हमारे साथ है। हमने इनकी फैमिली से बात की, इनका यही मानना है कि फरहान और उसके फ्रेंड्स एक बिल्डिंग में गए हैं जो कि बर्षा नगर में पड़ती है, वहाँ पर वो लोग रील्स बनाने गए थे और फ़ोटो शूट करने गए थे। उसके बाद बिल्डिंग का ऑनर जो है उसे कुछ शॉप वालों ने कॉल करके बुलाया है और उसके बाद बिल्डिंग का शॉप ऑनर जो है वो कुछ लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और उन बच्चों की मारपीट करना शुरू कर लेता है। कई सारे लोग अपनी अपनी कहानियाँ बोल रहे हैं, ड्रग्स कर रहे होते, शराब पी रहे होते, जुआ खेल रहे होते, लेकिन जब तक सच्चाई का कुछ मालूम ना हो तो किसी पर एलिगेशन लगाना काफ़ी ज़्यादा हमें लगता है कि गलत है। क्योंकि हमने भी इन दिनों सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस देखे जिनमें कमेंट्स ऐसे ही आ रहे थे। हर कोई एक जैसा नहीं होता है, 15 साल का बच्चा और उसके साथ जो बाकी के बच्चे थे वो भी 15-16 साल के ही होते। और सबसे बड़ा सबूत ये है कि उन्होंने जो रील्स वहाँ पर बनाई है उन्होंने उसी समय वो इंस्टा और फेसबुक पे डाली हुई है और उनके फ़ोन में वो स्नैप्स और वो रील्स और वो फ़ोटोज़ मौजूद है। अभी फ़िलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया है। जो वहाँ पर शॉप बिल्डिंग के ऑनर के साथ लोग आए थे उनको भी कस्टडी में रखा है और जो वहाँ पर फरहान के साथ उनके दोस्त थे फ़िलहाल उनको भी कस्टडी में रखा हुआ है। फ़िलहाल चलते हैं फरहान की मदर से बात करने। अभी वो उस हालत में नहीं है कि वो बात कर पाए क्योंकि जिस पर ये बीतती है वही जानता है कि उस पर क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका मानना है कि जब वो वहाँ पर रील्स और फ़ोटोशूट करने गया था उन्होंने उनसे बात की है। उनसे जानेंगे कि क्या बात उस समय पर फरहान की उनके साथ हुई है और उसके बाद जब उन्होंने फरहान को फ़ोन किया तो वहाँ पर उनका फ़ोन स्विच्ड ऑफ आया था, तो उसके बाद उनको किसने कॉल किया था? मे पाई ओन बजन तान ये बिहित मे नश पात द्रव दस अन हत दह रुपये अन बिस्किट डब तो वल बहुत दि चाय यह गो दान ये ये बिस्किट डब तो यह द्रव यह मे वो जरा फोन हेत हुत कर फोन किन क्या तो यह द्रव दल दस तेज तो बस पमस वन कहें तम पमस खबर कस बज फोन कर تم پت کر مے ستھ دن اکہ پانچ منٹ لاگن مے تم پہ بی فون کر اتہ سوئچ آف بس تم پہ چھ مے پتہ شام تانت کنچ پی یتس کالس یہ مرت بج کرو تھی فرحان یہ درو یہ ٹور بج تم پتہ چھ مے امس سم پتہ کی لوگ نا تھوڑا اخرس گو امس مے کور فون تم سات اس فونس پہ دن اکہ بہس ارمس ول بس پیاران تو ول تم پہ دہ منٹ بعد بی فون کر اتھ سوئچ آف تم پہ مے شام تانت پی یہ مے مانے ووتنی شام ثیرس بہ بوزان مگر مے ووکھ نی گزرمت امس دس لوگمت سہ ایڈمٹ یوتھ یوت مے یہ ونان یہ چھم نا ونان امس یت کن گومت تم پہ مے پی ون فرحان دوست ونان اس بلڈنگ اونر سہ آمت کھین لکن سی تورن یمن مارپیٹ گمت بس ونان یوت ال کاز مورک یہ کت پہ مورک ام کیا اس یوت کورمت تو یہ مورک یہ موسم بچہ ون امس دنیا پی تو یوتا کیاز کورک امس بس ونان انصاف ام کور مے گھ سس بیس سی لاگن بتھ بس بیس مے کہین
کیازِ نتہٕ ہیٚکہٕ بہٕ تہِ مٔرِتھ. میون میون کیس تہِ کھسہِ تٔمۍ سٕے اِنسانَس ییٚمۍ میٲنِس بَچَس کوٚر. بہٕ تہِ مارٕ أمۍ سٕے بَچَس ہیٚس سۭتۍ, أمۍ سٕنٛدِ ہیٚس سۭتۍ مارٕ بہٕ تہِ, کیازِ ییٖتِس کالَس نہٕ مےٚ أمِس بَچہٕ سُنٛد نَنہِ, بَس أمۍ سُنٛد نَنہِ مےٚ تہٕ پَتہٕ چھُنہٕ مےٚ. تھوڑا گژھِ ہا سٲنِس دِلَس تہِ خوشی, مےٚ ما چھُ نَتہٕ گژھِ دَم اِنسانَس, یہِ کِتھ کٔنۍ آو وَنٛدٕ مارنَس یُتھ موسم بَچہٕ. یہِ اوس حظ سُہ بَچہٕ ییٚکیٛاہ یِم چھِ وٕچھ کَتٮ۪تھ بَسان, یہِ بوٗزوٗ تۄہہِ پانَے أمۍ سُنٛد میون بَچہٕ کیُتھ ٲسۍ مَنٛدٕ چھان. اگر أمِس وَنہِ ہا کانٛہہ چاے پیٛالہٕ چھُ اوس کَلہٕ تھاوان بۄن, بہٕ چھَس وَنان أمۍسٕے بَچَس سۭتۍ آوا یہِ کَرنہٕ. بہٕ چھَس وَنان غلطی تہِ وَنان کیٚنٛہہ تہِ أنۍزٮ۪ن سیوٚد اَتھَس تھپھ کٔرِتھ یوٚتَتھ سُہ زانے یا تھانسٕے کٔرۍزٮ۪ن حوالہٕ, بہٕ تہِ زانہٕ. مگر مارُن تہِ ما اوس, یوٗت تامَن ما اوس مارُن اوس یہِ بَچہٕ. یے چھُ وٕنہِ موسم بَچہٕ, یے چھُو تُہۍ پانہٕ بوزان یہِ کوتاہ وٕنہِ چھُس یہِ تہِ چھے وَنان, وٕنہِ چھَس نہٕ وَنان یہِ چھُ تیوٗتاہ بوٚڑ تہِ بَچہٕ. وٕچھ یہِ چھُ شُر, یہِ اوس تھوٚد نیٖرِتھ گوٚمُت, وۄنۍ کَتہِ اَنَن. سُہ درٛاو خۄدایَس سوال, مگر اَنَن کَتہِ. مگر یہِ گژھن بہٕ وٕچھِنۍ, بَس مےٚ چھُ یُتُے یوت, بہٕ مےٚ گوٚژھ یہِ نہٕ اَنُن. مےٚ چھُنہٕ کِہیٖنۍ, کیٛازِ مےٚ أنٛدرٕ گوٚد چھُس. بہٕ چھَس وَنان سُے گوٚد کَرٕ ہا بہٕ أمِس, ییٖتِس کالَس نہٕ بہٕ یہِ تہِ وٕچھَن أمۍ یہِ کِتھ کٔنۍ آو. وۄنۍ دَپَن مےٚ چھی نہٕ ہٮ۪کَتھ کِہیٖنۍ, بہٕ چھَس مۄکلیمٕژ. جس طریٖقے سے اِن کی فیملی, تِمے بَچہِ وَنان سورُے, بایَن وَنان تِم بَچہِ کُس کُس کھوٚت تور, اَسہِ ما چھا پاے, نہ چھا مٲلِس پاے, نہ چھا ماجہِ پاے, أمِس پَتہٕ پَتہٕ کُس کھوٚت. یِم وَنان یِمے بَچہِ, یِم تہِ چھِ لۄکٕٹۍ بَچہِ, مگر یہِ یِمو وٕچھمُت چھُ تی وَنان. یِم فرحان کے فادر ہمارے ساتھ یہاں پر جُڑے ہوئے ہیں, اِن سے بات کرنے کی کوشش کریں. जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि ये मर्डर ही है और जो इसके साथ फ्रेंड्स थे वो भी अभी कस्टडी में है जी. वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ मारपीट हुई है. हाँ. तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सही में मर्डर ही होगा? देखिए, ये बच्चा था मेरा फरहान रशीद, 8th क्लास का स्टूडेंट था, और जो इसके दोस्त थे वो भी छोटे हैं, वो भी इसी क्लास में पढ़ते हैं, क्लास फेलो थे. इसकी माँ अभी कह रही थी कि उसने कॉल किया फरहान साहब को, हम यहाँ पर एक बिल्डिंग है, हम वहाँ जाएंगे, उधर सीनरी बहुत अच्छी है, फ़ोटो स्नैप करेंगे वहाँ पर, फिर आएंगे वापस. वो बिल्डिंग जो है आज से 2 साल पहले तैयार हुई है, ना ही उसमें कोई देराबंदी है, ना ही कुछ सीसी कैमराज हैं. जो अपोजिट के दुकानदार हैं मैं उनको नहीं जानता हूँ. ये चारों लड़के बेचारे अंदर गए, अपने मंजे से बैठ रहे थे और फ़ोटो खींच रहे थे, और इतने में 5 मिनट के बाद कोई मालिक मकान को कॉल कर रहा है कि यहाँ पर कोई आ गए हैं, यहाँ पर कोई बंदे चले गए यहाँ पर. वो आता है और इन 4 दुकानदारों को अपने साथ में लेके अंदर जाता है. फिर ये जो बच्चे हैं इन्होंने बयान दिया है, इसने हमें मारा, हमें पीटा, हमें धमकी दी, डंडे लेकर थे वो दुकानदार भी. और जब उन्होंने 2 को पकड़ा, वो 1st फ्लोर पे थे, उसने अपने भागने की कोशिश की, वो कामयाब हो गए. फरहान जो था उसने आर्गू किया उसको, उसने बोला फरहान ने इनको, हमने क्या किया, हम शूट कर रहे हैं, हमारा कौन सा खता है. वो उन्होंने उसको नहीं मान तो एक थप्पड़ मारा, एक डंड मारा, ऊपर चला गया 4-5 मिनट में. और इसके बाद कौन ऊपर चला, किसने मारा ऊपर उसको, ये निशान है फरहान साहब के चेहरे पर और सर पर, जिसमें लगता है ये मर्डर पूरा है. ये देखिए आप, ये देखिए फरहान साहब की शक्ल है, 14 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, जिसमें अब डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम भी किया है. और उस वक्त मैं ऑफिस में था, मुझे नहीं पता था अपने मेरे बेटे साथ क्या हुआ है, उसको कैसे कत्ल किया उन्होंने. और जब मैं अपनी, मेरी सिस्टर हैदरपुरा, मैं उधर वहाँ गई, मैंने चाय पी, उसके बाद मुझे कॉल आ रहा है, अपना दूसरा बेटा है मेरा मुईन, उसने मुझे बोला बाबा फरहान को एक्सीडेंट हुआ है, उसकी टांग खराब हो गई है, वो अस्पताल में है. मैंने गाड़ी निकाली, 4 बंदे को उठाया और चले गए HMS अस्पताल. वहाँ पर मैंने एक एक वार्ड को देखा, वहाँ पर नहीं था. और उसके बाद मैंने बरजुला गया, फिर बरजुला में 8 बजे मुझे पुलिस स्टेशन से एक सिपाह फ़ोन कर रहा है, आपका नाम है, आप फरहान के फादर हो? मैंने बोला हाँ मैं फरहान का फादर. बोला आप पुलिस स्टेशन आओ छानपुरा. मैं पर जहाँ वहाँ पर चला गया तो उसने बोला, वहाँ पर HSO साहब थे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, जो उसने मुझे पूरा दिलासा दिला कि ये इस तरह
हुआ ये बच्चे के साथ, आपका इंसाफ मिल जाएगा। अभी हमने कस्टडी में 4 दुकानदारों को और वो जो जो बंदा ये जो बिल्डिंग का मालिक है उसको भी अरेस्ट किया है, और 4 दुकानदारों को, और जो तो 3 दोस्त है उनको भी अरेस्ट किया है। मैंने बोला एसएसओ साहब को, फरहान जिंदा है, चला फरहान जिंदा है कि नहीं? उसने मुझे डिक्लेयर किया, उसने मुझे, और उसके बाद उसके बाद मैं थाने में था, मुझे पूरा 2 घंटा रखा उधर। फिर एसएसओ साहब आया, डीओ साहब आया, एसपी साहब आया, उसने मुझे पूरा विश्वास दिया। मैंने बोला ये मेरा बेटा शरीफ था, 8th क्लास में स्टूडेंट था। मैंने 11 बजे से बात की, प्रिंसिपल को बताया इसका एग्ज़ाम है, उसने मुझे किताबें दी। बोला फरहान साहब ने भी बात की, फिर 4:30 बजे फरहान साहब ने अपने मोबाइल से फ़ोन किया कज़न को, बोला आप ठीक हो, घर में हो, घर में ही रहना, बाहर नहीं निकला, इसी तरह से खेलना। फिर उसने कॉल बैक किया, कज़न ने कॉल बैक किया 5 बजे, वहाँ पर स्विच नॉट रिचेबल आ रहा है। तो फिर मैं थाने में बैठा था, तो मुझे एसएसओ साहब ने बताया कि आपका बेटा मर चुका है। मैंने बोला कैसे? उसने बोला अभी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिलहाल इसको पोस्टमार्टम करना है, रात को एसएसओ अस्पताल में रखना है इसको। मुझे लाश कब मिलेगी हमें? मैं उसका बाप हो रहा हूँ। उसने बोला वो कल मिलेगी, लाश घर में थी हॉस्टल में। फिर 12 बजे मुझे मेरी लाश मिली, जिन्हें भी उसका जो चेहरा था वो पूरा डैमेज था, सर पूरा ठीक था। इनका कहना है कि वो उसने छलांग मारी या किसी ने धक्का दिया। 6ठा मंजिल से कोई जब बच्चा गिरता है तो उसके सर भी फट जाता है और टांगे भी टूट जा, टांगों में कोई निशान था नहीं था, सर में कोई निशान नहीं था, एक निशान यहाँ पर था, एक यहाँ पर छाती में था और यहाँ पर। ये सरासर मर्डर है, जो इसके पीछे ऊपर चढ़ा तला, जो इसके पीछे बंदा, कितने बंदे इसके पीछे चढ़ गए ऊपर, इसको पहले ही मार डाला उधर स्लैब पर ही, फिर फेंका नीचे। हमें हम आईजी साहब से, एचएसओ साहब से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मसला आगे वेरिफिकेशन करने के लिए डाला है। हम पूरी तरह से उन पे उम्मीद रखते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। मैं अपने बेटे को नहीं ला सकता हूँ, लेकिन कातिल को पेश करो, कातिल को पेश करो, कातिल को पेश करो। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।